नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर मैं आप सभी लोग के लिए रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए माँ की रसोई घर में बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास भुट्टा था, तो ये 3-4 दिन का भुट्टा हो गया था, तो ये थोड़ा सूख गया था। तो सूख गया था तो इसे हमने क्या किया है कि गर्म पानी में नमक रख कर थोड़ा सा और इसे उबाल दिए हैं। पहले की तरह फिर से इसके दाने हो गए हैं। इसका हम बहुत ही अच्छा रेसिपी बनाएंगे। तो भुट्टे अच्छे से उबल गए हैं, तो हम गैस को बंद करेंगे। तो भुट्टे को ठंडा कर कर इसके दाने छुड़ा कर ले लेंगे। देखिए भुट्टा ठंडा हो गया, तो इसे इस तरह हम दाने को निकाल कर ले लेंगे, इस तरह छुड़ा लेंगे दाने को। सारे भुट्टे को हमने छिल कर ले लिया है, तो अब इसे भुनेंगे। तो गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें हम सरसों तेल ले लिए हैं। आप जो तेल खाएं उसमें भुट्टा को भून सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हरे मिर्च लिए हैं, इसे डाल देंगे तेल में। और इसी में 1 प्याज को इस तरह बारीक काट कर ले लिए, इसे भी डाल लेंगे और इसे अच्छे से चलाकर भून लेंगे। प्याज को पूरा नहीं भूनना है, इसको हल्का सा सुनहरा भुने हैं। तब यहीं पर हम जो भुट्टे कर लिए थे इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। तो भुट्टों को हम भून रहे हैं, तो यहीं पे हम नमक डाल देंगे। नमक जब उबाले थे भुट्टे को तो उसमें डाले थे, तो कम ही नमक डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर, सिर्फ हरे मिर्च में ही भून सकते हैं, या फिर सूखे लाल मिर्च हो गोटा तो इसमें भी आप भून सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं और इसे बढ़िया से चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो भुट्टे भून गए हैं, थोड़ा सा और भूनेंगे। तो इसमें बहुत सारे हमने धनिया पत्ता काट कर डाल दिया और धनिया पत्ता डालकर भुट्टे को थोड़ा सा और भून लेंगे। तो भुट्टे भूनकर तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए चटपटा भुट्टे भूनकर तैयार हो गए, तो अब खाने के लिए सर्व कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म भुट्टे भूनकर तैयार हो गए। तो आप लोग भी इस तरह कच्चे भुट्टे को भूनकर खाइएगा, लेकिन जब भी खाइएगा तो इसे भूनकर गर्मा गर्म ही खाइएगा। ठंडा होने के बाद ये चिमड़ लगता है। तो आप सभी को ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।